उद्घाटन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और यहाँ पे काफी अधिक संख्या से लोग यहाँ पे आए, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। काफी लोग यहाँ पे आए और भीड़ में उत्साह भी रहा, और आप देख सकते हैं काफी यहाँ पे भीड़ है, और भीड़ काफी अधिक भीड़ है, और काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए सीएम को देखने के लिए। काफी यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे और काफी यहाँ पे दूर दूर लोग आए, और यहाँ पे काफी लोग आए हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन इस लखीमपुर कैंपस में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। वृक्षारोपण के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे आसीन होंगे, और लखीमपुर जनपद स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास एवं इस कृषि महाविद्यालय कमलों द्वारा संपन्न किया जाएगा। अपने सीएम को देखने के लिए काफी लोग आए, और यहाँ पे
काफी उत्साह है और जैसे काफी लोग यहाँ पे हैं। जैसे अपने स्वयं को देखने के लिए यहाँ पे जनता काफी भीड़ लगी है और काफी यहाँ पे उत्साह है। जैसे आप देख यहाँ पे काफी उत्साह है स्वयं को देखने के लिए काफी यहाँ पे। बहुत ही शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आसीन होने वाले हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1893 में हुई।
और उसके बाद यह इसने 1975 में विश्वविद्यालय का स्वरूप प्राप्त कर शिक्षा अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में समर्पित भाव से निरंतर सेवारत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन मध्य पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की कृषि शिक्षा एवं शोध एवं प्रसार की आवश्यकता के दृष्टिगत लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय कैंपस स्थापित किए जाने हेतु गन्ना शोध संस्थान की 25 हेक्टेयर भूमि मई 2013 को उपलब्ध कराई गई। नवीन निर्माण को ध्यान में रखकर के ही सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। हम लोग जब 2017 में लखीमपुर खीरी का किसान इस बात को जानता होगा, तब तक प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर नहीं थी। किसानों की उपज को नहीं खरीदा जाता था, लेकिन हमने सख्ती से इस बारे में व्यवस्था बनाई। पिछले 2 वर्षों में हमने 3,000 केंद्र प्रारंभ किए थे और इस बार प्रदेश के अंदर 5,000 क्रय केंद्र हमने स्थापित करने के लिए कहा है कि हर जनपद में जहां भी किसान मांग करे वे लोग वहां पर विभिन्न विभागों के द्वारा, जिन संस्थाओं के द्वारा क्रय केंद्र स्थापित किए जाने हैं, वे क्रय केंद्र स्थापित करते हुए किसानों को जागरूक भी करें, लेकिन साथ साथ किसी किसान को परेशानी ना हो ये भी सुनिश्चित करें। और जिस किसान की उपज को आपने तोल लिया है, 72 घंटे के अंदर RTGS के माध्यम से उसके खाते में पैसे देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दीजिए, जिससे किसान को फिर से पैसे के लिए भटकना ना पड़े। भाइयों बहनों, मैं मानता हूं 15 वर्षों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो जड़ता पैदा की थी, इस जड़ता को तोड़ने में, इसको हटाने में अथक परिश्रम करना पड़ रहा है और उस परिश्रम का परिणाम भी किसानों के लिए और नौजवानों के हित में सामने देखने को मिल रहा है। आज उसी का परिणाम है, प्रदेश सरकार कोई भर्ती करती है तो पूरी पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश का हर योग्य नौजवान नौकरी पाने का हकदार बनता है। आज नौकरी जाति के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर नहीं है। किसी जनपद विशेष की के लिए हम कैद करके नहीं रख सकते, ये नौकरी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नौजवान का इस पे अधिकार है और उत्तर प्रदेश के इस नौजवान की नौकरी पर डकैती डालने वाले के लिए केवल जेल होगी, जेल के सिवाय कुछ नहीं होगी। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। जब कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने मुझे बताया कि वहां पर महाविद्यालय के प्रथम फेज का कार्य पूरा हो चुका है, महाविद्यालय में जिन छात्रों का प्रवेश हुआ है वे कानपुर में अध्ययन कर रहे हैं, अगर इनका अपना कैंपस बन चुका है और हम इसको फेज वाइज आगे बढ़ा देंगे तो लखीमपुर खीरी, मुझे पिछले कई महीनों से मैं सोच रहा था, लेकिन चुनाव के दौरान आया था, लेकिन मैंने कहा चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद एक बार आकर के लखीमपुर खीरी के सभी मतदाताओं का आभार भी व्यक्त कर दूं कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हमारे 2 सांसद इस जनपद से चुनाव जिता करके भेजे हैं, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करूं। लेकिन आभार व्यक्त केवल शब्दों से नहीं, आभार के रूप में कुछ जनपद को देकर के भी हम जाएं। इस दृश्य कृषि महाविद्यालय दे रहे हैं, आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज भी आपको देने जा रहे हैं। यहां पर एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है बाबा गोला गोकर्णनाथ जी का, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत दुनिया के अंदर इस जनपद को एक नई पहचान दिलाता है, भारत के सनातन धर्म को एक नई ऊंचाइयां देता है। और सचमुच मैंने गिरी जी से कई बार कहा कि वहां का कोई कार्यक्रम बनाइए, क्योंकि मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, कहीं भी मुझे लगता है कोई मंदिर होगा तो वहां दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और मैं इस बात को कहूंगा कि वास्तव में गोला गोकर्णनाथ जितना पवित्र स्थल है उसका पर्यटन विकास के दृष्टि से उसका विकास होना चाहिए, उसको खूब आगे बढ़ाना चाहिए, इसको एक सिस्टम के साथ जोड़ना चाहिए। परंपराएं तो जीवित रहनी ही चाहिए, साथ साथ रोजगार के साथ भी
कार्य होना चाहिए, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और ये कार्य हम करेंगे ही। मुझे बताया गया कि यहाँ पर ग्राम भीरा, ये वन रेंज भीरा और गोला में तीन बनटांगिया गांव है जिन्हें अभी तक राजस्व गांव के रूप में मान्यता नहीं दी है। मैं जिला प्रशासन से कहूंगा कि हमारे माननीय सांसद और विधायकों से बातचीत करके इनके प्रस्ताव अविलंब बनाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आजादी के बाद इन गांवों को कभी भी कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली। वे भारत के नागरिक हैं, भारत की सुविधा, भारत की हर प्रकार की सुविधा, शासन की हर प्रकार की सुविधा पर उनका बराबर का अधिकार है, उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी भी वहां सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्कूल की व्यवस्था नहीं, राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं, पेंशन की सुविधा नहीं, कोई सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। राजस्व गांव बनाएंगे, एक वर्ष में इन सभी गांवों को इन सभी सुविधाओं से युक्त कर देंगे। सरकार के कार्य की क्या स्पीड होनी चाहिए, आज आपके जनपद में हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जा रहे प्रयास उसके उदाहरण है। आपने सांसद दिए, दोनों सांसद दिल्ली में जाकर के लड़ते हैं, योजनाओं को ला करके यहां पे लेके आते हैं। आपने विधायक दिए, विधायक लखनऊ में आकर के लखीमपुर जनपद की योजनाओं को लेकर के निरंतर वहां संघर्ष करते हैं, आकर के इस जनपद के विकास के लिए कैसी योजनाएं बननी चाहिए उनको लेकर के चर्चाएं करते हैं, सदन में मुद्दों को उठाते हैं, मिलकर के इन योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। उसी का परिणाम है कि ढाई वर्ष के अंदर कृषि महाविद्यालय बनकर के आपको आज यहां पर पहले देश का कार्य आपको समर्पित किया जा रहा है, अन्यथा इसमें 10 वर्ष लगते तब भी पहले देश का कार्य नहीं हो पाता। ये इनके संघर्ष और इनकी पहल का परिणाम, जो लोग निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, संपर्क के माध्यम से संवाद बनाते हैं और उस संवाद के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये कृषि महाविद्यालय निश्चित ही जनपद लखीमपुर खीरी और आसपास के क्षेत्रों के लिए कृषि तकनीक को, आधुनिक तकनीक को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है और उत्तर प्रदेश में और लखीमपुर खीरी में आप सौभाग्यशाली हैं, इतनी उर्वरा धरती है। किसान एक बार बीज छिड़क के जाता है, बाद में फसल काटने के लिए जाता है और तब भी आत्मनिर्भर होता है। मैं देखता हूं लखीमपुर खीरी के किसानों को मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए, कभी भी अनावश्यक मुद्दे पर राजनीति नहीं करना, अपने कार्य से कार्य बनाए रखना और हर उस मुद्दे पर जो समाज राष्ट्र के हित में हो, निरंतर लखीमपुर खीरी जनपद के किसानों ने, यहाँ के नौजवानों ने सदैव अपना सहयोग और समर्थन दिया और इसलिए मैं आज यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जितने भी नए छात्र यहाँ पर प्रवेश लिए हैं या यहाँ की जो फैकल्टी है, इन सब से मेरा अपील होगा कि वे यहाँ के किसानों के लिए ऐसी तकनीक विकसित करें जो लागत को न्यूनतम स्तर पर ला सके और उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ इन्हें बेहतर मार्केट भी दे सके। प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप 2022 से पहले इन किसानों की आमदनी को हम 2 से 3 गुना तक बढ़ा सके, इस दिशा में एक नई पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्नदाता किसान के चेहरे पर अगर खुशहाली होगी, यह खुशहाली देश की खुशहाली का आधार बनेगी। हमारा अन्नदाता किसान अगर समृद्ध है तो उसके चेहरे की खुशहाली इस देश की समृद्धि और खुशहाली का आधार बनेगा। इस कृषि विज्ञान के दोनों कृषि विज्ञान केंद्रों को इस महाविद्यालय से जोड़े, महाविद्यालय का दायित्व बनता कितना बड़ा कैंपस है और कृषि स्थापित कर सके। पिछले 2.5 वर्ष के अंदर बहुत हुआ, मैं जानता हूं जब प्रदेश में हमारी सरकार आई थी मात्र 69 कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश में थे और उनकी स्थिति भी ऐसी थी जैसे यहां की कृषि विज्ञान केंद्र की थी, सभी जर्जर हालत में थे, अव्यवस्था अराजकता चरम पर थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं केवल उन 69 कृषि विज्ञान केंद्रों की एक कार्य योजना कृषि विभाग ने आज
शिक्षण के साथ ही 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर देने और उस कृषि नए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को जोड़ने, आधुनिक तकनीक का लाभ किसानों को उपलब्ध कराने के लिए इनको एक माध्यम बनाया गया और उस माध्यम का उपयोग अगर हम करेंगे बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना चाहिए, सिंचाई के आधुनिक तकनीक का उपयोग अगर आप करें, मेरा विश्वास है फसल यानी लागत आपकी कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा, खेती में किसान खुशहाल होगा। मार्केट देने की व्यवस्था सरकार कर रही है, सरकार एक सिस्टम के साथ आपको जोड़ने की तैयारी कर रही है। गन्ने के नए बीज को और नए तकनीक के साथ उसे बोने की व्यवस्था, मेरा यह मानना है कि सभी किसान अपने एक एकड़ खेती में कम से कम 500 कुंटल गन्ना उत्पादन करने की क्षमता रखता है, ऐसी उर्वरा भूमि आपके लखीमपुर खीरे की है। केवल तकनीक और बीज का ध्यान रखने, समयबद्ध तरीके से उस खेती को करना प्रारंभ करेंगे, शासन ड्रिप इरिगेशन में 80 से 90 तपस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अजय मिश्र टेनी जी, भौरहरा की सांसद आदरणीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और माननीय विधायक श्री लोकेन्द्र सिंह जी, श्री अरविंद गिरी जी, माननीय विधायक श्री बाला प्रसाद अवस्थी जी, श्री योगेश वर्मा जी, हमारे प्रमुख सचिव कृषि और कृषि शिक्षा श्री अमित मोहन प्रसाद जी, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर श्री सुशील सोलेमन जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती सुमन सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों, हमारे जैसे के छात्र भाइयों और बहनों, मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, आज मैं इस लखीमपुर खीरी के जमुनाबाद में कृषि महाविद्यालय के इस लोकार्पण समारोह में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय महाराज जी का आप यहां पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम आदरणीय योगी जी ने चलाया, मैं उनका संपूर्ण लखीमपुर किसानों की ओर से फिर से मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं 1.5 साल पहले शाम के समय में यहां पर आया था, 2014 से बन रहा ये हमारा महाविद्यालय बहुत अपूर्ण अवस्था में था, सिर्फ यहां पर उस समय संकाय का जो भवन है एकमात्र भवन तैयार था और हमने इस बात की कोशिश किया यहाँ के निर्माण को गति दिया जाए और मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि 1.5 वर्ष के भीतर आज ये स्थिति में हम आए हैं कि इस साल अपने क्लासेज को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और कृषि क्षेत्र के भीतर यहाँ के किसान भाइयों को इस विद्यालय से लाभ मिल सके, इसका एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर आया है। इस महाविद्यालय की वजह से आसपास के जनपदों में भी एक कृषि के क्षेत्र में गति मिलेगी और इसके लिए जो योगी आदित्यनाथ जी ने कृपा किया है, जब कभी भी जरूरत पड़ी अभिनंदन करता हूं। योगी जी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर कृषि शिक्षा में हम लोगों ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और मुझे खुशी है कि बांदा विश्वविद्यालय के भीतर हमारे सिर्फ 2 संकाय चला कर
और दो साल के भीतर होम साइंस और एग्रो फॉरेस्ट्री के दो और महाविद्यालय हमने वहां पर खड़े करके और वहां पर विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर दिया है, जिससे वहां के हमारे निकलने वाले विद्यार्थी कृषि के क्षेत्र में काम कर सकेंगे। इसी प्रकार से जैसे आपको मैंने बताया था, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने काफ़ी किसानों के लिए संदेश दिया और काफ़ी किसानों के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी साधन को भी बताया और नई नई टेक्निक को लेके भी योगी जी ने काफ़ी अच्छी बात कही है और HD दुनिया में नई नई टेक्निक को लेके किसानों में और किसानों के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। और योगी जी ने किसानों के बकाए और धन के बारे में भी बताया और उनको बहुत जल्दी ही किसान की हर सुविधा को लेके काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई और जो नई नई टेक्निक आ रही है उनके लिए भी उन्होंने किसानों के लिए बताया है, गन्ना को पेमेंट को लेके बताया है और काफ़ी अच्छी चीज़ों को लेके किसानों के गाड़ी लेके पड़ती है ना बने बनाएगा। जैसे आपको CM जी योगी जी ने किसानों के हित में काफ़ी अच्छी बात कही है, जैसे किसानों का गन्ना बकाया हुआ था और कर्ज को लेके और नए नए यंत्र को लेके जो किसानों के लिए नई नई टिकट लेके आए, ठीक है। मैंने और यहाँ CM जी योगीनाथ जो आए हैं जो उद्घाटन